नगर निकाय का नतीजा आ चुका है और लखनऊ की अब महापौर हैं संयुक्ता भाटिया जी, महिला हैं आप, महिला हैं संयुक्ता जी, और पहला सवाल लाजमी बनना कि महिलाओं के लिए आप क्या करने वाली हैं? महिलाओं से ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं, कूड़ा निस्तारण की हो, चाहे जल निकास की हो, चाहे पेयजल की हो, महिलाएं को सबसे ज्यादा इसमें जूझना पड़ता है और उस पर मैं काम करूंगी, शहर को सुंदर बनाने का करूंगी। और महिला होने के नाते महिला दोहरी भूमिका निभाती है, जैसे घर को सुंदर स्वच्छ और सुनियोजित रखती है सुनियोजित, उसी तरह से शहर को भी अपना घर समझ के मैं उसको सुनियोजित रखूंगी। आप ही की, अब आप खुद महापौर हैं और आप ही की सरकार है, कितना फायदा मिलेगा आपको? बहुत लाभ मिलने वाला है, 74वां जो संशोधन है उसी के यहाँ पे मुझे मिलेगा, मेयर के अधिकार बढ़ेंगे और उसका पूरा लाभ मिलेगा। सीवर लाइन की बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमें उसके केंद्र से मिलने वाले हैं जिस पर वार्ता चल रही है, इसका मुझे लाभ मिलेगा। लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो कौन सी ऐसी 30 समस्या है जिसको सबसे बड़ी समस्या आप मानती हैं और निजात कैसे मिलेगी? शहर को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले कूड़ा निस्तारण की समस्या है और जाम की समस्या है, इन दो समस्याओं पर पहले मैं काम करूंगी। काफी ऐसी चीज प्रॉब्लम है जैसे कि जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, नगर निगम का दायित्व है कि उसको करें, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे कैटर करने जा रही हैं, कैसे टैकल करेंगी? उसको भी भ्रष्टाचार बहुत रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इपिन बाकर शुक्रिया। तो ये थी संयुक्ता भाटिया जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है और कूड़ा निस्तारण की समस्या है। अब देखना ये होगा कि समस्याएं भी हैं, चैलेंज भी है। संयुक्ता भाटिया जो कि पहली महिला महापौर है, 5 साल बाद हमें कैसा लखनऊ देती है, इस पर सबकी निगाह होगी और यही सबकी आंखों का ख्वाब भी होगा। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम, एपीएन, लखनऊ।